हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन रेशियो प्रोपोर्शन को लेकर कंटिन्यू है, जो डे बाय डे एक सिस्टमेटिक वे में कुछ बेसिक लेवल से आगे के लेवल्स की तरफ ग्रो कर रहा है। उसी कड़ी में आज फिर से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा बेनिफिट इन वीडियोस का आप ले रहे हैं और लेते रहेंगे। वीडियोस को शुरू से लेके आखिर तक, टॉपिक को बिल्कुल शुरू से एंड तक देखने का भाव रखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा एडवांटेज आप इनका ले पाएंगे। काफ़ी इफेक्टिव लर्निंग कॉम्पिटिशन्स को लेकर यहाँ से आप बिल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बिना और समय लिए आज की कड़ी में अच्छे क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। जो भी क्वेश्चंस को लेकर अच्छे इफेक्टिव आइडियाज बनते हैं उनके साथ कंटिन्यू रहने का भाव है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। एज पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स रेशियो ऑफ कॉपर एंड निकल, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जो कॉपर और निकल होनी चाहिए वो 4:5 होनी चाहिए, बट क्या हुआ? इनकरेक्ट मिक्सिंग की वजह से ये मेटल्स हमारे 5:4 में मिक्स हो गए। जो रेशो 4:5 बननी चाहिए थी वो गलती से 5:4 बन गई। क्वेश्चन डिमांड करता है, व्हाट परसेंट मोर ऑफ निकल? निकल कितने परसेंट और हम मिलाएं ताकि रेशो फिर से हमको क्या मिल जाए, हमारी रिक्वायर्ड रेशो 4:5 मिल जाए। आई होप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमको बिल्कुल क्लियर है, किस तरीके से हम सॉल्व कर पाते हैं। लेट अस सी, बातें करते हैं फिर से एलिगेशन के एप्लीकेशंस की। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अभी इनकरेक्ट मिक्सिंग के बाद मेरे पास 5 हिस्से कॉपर है, 4 हिस्से निकल है। निकल के टर्म्स में मूव करता हूं, 4:9 मेरे पास क्या है? निकल है। 4:9, और इसके अंदर ऐड क्या कर रहे हैं? हम निकल ही ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो मतलब 100% निकल इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज में 1:1। तो 1 और 4:9 को मिला के जो नई निकल प्रोड्यूस करनी है उसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए? 5 पार्ट हमारे क्या होने चाहिए निकल के। तो यू समझो इनके बीच में जो दोनों को मिलाकर वैल्यू तैयार होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए 5:9। क्रॉस में डिफरेंसेस की बात करूं तो ये बन गया 4:9, ये बन गया हमारा 1:9। ये नो इधर शिफ्ट कर देता हूं, नो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, व्हाट इट मींस? 36 हमारी ये वैल्यू है, ये क्वांटिटी है, तो 9 हमारी ये वैल्यू है, ये क्वांटिटी है। 36 kg 9 kg आप सिंपली सोच सकते हैं। 36 kg तो पहले वाला मिक्सचर है, 9 जो हमने निकल ऐड किया उसकी बात कर रहा है। इस 36 के अंदर क्या रेशो है मेरे पास? कॉपर निकल की 5:4 है। इस 36 का ब्रेकअप कर देता हूं तो ये ब्रेकअप मेरा क्या बन गया? 1 पार्ट 4 का 20 और 16, 20 कॉपर 16 निकल। क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करें, क्या वो डिमांड क्या करता है? व्हाट परसेंट मोर ऑफ निकल? निकल पहले कितनी है? 16। कितनी और उसको जरूरतें हैं कंडीशंस को पूरा करने के लिए? नो, 9/16 × 100, दैट इज द परसेंटेज। व्हाट परसेंट ऑफ मोर ऑफ निकल? 9/16 × 100, 4 पे कैंसिल करता हूं, 25 में 225 को 4 से भाग करता हूं, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 56.25 इट इज।
लास्ट का ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट परसेंट मोर ऑफ निकल, इसकी सही अंडरस्टैंडिंग यहां पर हम बिल्ड करें फ्रेंड्स। तो लास्ट में आके हम किसी गलती में ना चले जाएं, बी केयरफुल इन द क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन हमको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। What must be added to each term of the ratio 2:5? कहता है इन दोनों ही टर्म्स में क्या क्या ऐड किया जाए कि ये रेशियो हमारी कितने के बराबर हो जाए, 5:6 के बराबर हो जाए। मैं ऑप्शंस की बातों से दो के अंदर भी 13 ऐड करने की बात करता हूं, 5 के अंदर भी 13 ऐड करने की बात करता हूं, 5 और 13 18, 2 और 13 15 है। क्या मेरी 5 और 6 की ये कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाई हो रही हैं? यस ऑफ कोर्स। 3 पे कैंसिल करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 5:6 ही मिलता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, आप क्वेश्चन इसी तरीके से सोचते हैं तो डेफिनेटली आपका टाइम सेव होता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। अ मर्चेंट वाज सेलिंग हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, मतलब वो 100 के सामान को कितने में बेच रहा था, 120 में, 20% की कमाई के साथ। When he allowed a discount of 5 paisa per rupee, बोलता है उसने 5% का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। कितना डिस्काउंट, 5% का। 100 की चीज को 120 में बेच रहा था, 120 का 5% 6 रुपए बनेगा, अब सामान 114 में बिकेगा। इट मीन्स जहां पे पहले 20% का प्रॉफिट कमा रहा था वहां पे अब 14% का प्रॉफिट कमाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये पहला स्टेप हमको ठीक से क्लियर है। पहले 20% का प्रॉफिट था, अब 14% का प्रॉफिट है। इतना हिस्सा जानने के बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोलता है हिज सेल इंप्रूव्ड इन द रेशियो ऑफ 8:5, डिस्काउंट देने के बाद उसकी सेल में इंप्रूवमेंट हुआ। बोलता है पहले 5 की हिस्से की सेल होती थी, अब कितने हिस्से की सेल होने लगी, 8 की। 5 पे कितनी कमाई थी, 20% की कमाई थी, 1 की कमाई थी। 8 पे कितनी कमाई है, 14% की कमाई है, 14% का प्रॉफिट है, 8 का 14% 1 रुपए 12 पैसे। देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, न्यू प्रॉफिट वर्सेस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो पे कमेंट करना है। ये हमारा न्यू प्रॉफिट है और ये हमारा ओल्ड प्रॉफिट है। ये रेशियो की बात करता हूं, 100 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 112 और 100 के बीच में। क्या मैं 28:25 की रेशियो की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स? देखो क्वेश्चन में एक सिस्टमेटिक वे में आप चलते हैं तो लगभग ना के बराबर राइटिंग करके मैक्सिमम पोर्शन को आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। जब कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो, बेसिक कैलकुलेशंस का साथ हो, तो हम चीजों पे ओरली काम कर पाते हैं, और चीजों को ओरली जब सॉल्व कर पाते हैं तो वो मैथ्स में बेस्ट एंगल है, क्वांट का बेस्ट एंगल है अपने टाइम को मैनेज करने का। तो व्हाट इज आर आंसर फॉर द क्वेश्चन, दैट इज 28:25। फ्रेंड्स आई होप द थिंग्स आर क्लियर फॉर द क्वेश्चन, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बाय हाउ मच शुड द सेलिंग प्राइस बी इंक्रीज सो दैट, सेलिंग प्राइस को कितने रुपए बढ़ाया जाए। बोलता है लॉस ऑफ 5% इंकर्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, 475 में वो इसको बेच रहा था,
5% का उसको नुकसान हो रहा था, मतलब कि 500 रुपये क्या उसकी सीपी थी, 500 रुपये पे 5% के लॉस के साथ 475 में आर्टिकल बिक रहा था। इस सेलिंग को कितना बढ़ाया जाए कि आगे की कंडीशंस क्वेश्चन की पूरी हो, 475 में बिक रहा था, 500 रुपये का सामान था, उस 500 रुपये के सामान पे वो कितने परसेंट प्रॉफिट चाहता है, वो 500 के सामान पे 5.6% का 28 रुपये का प्रॉफिट चाहता है, वो 528 में इसको बेचना चाहता है। बोलता है आफ्टर ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 4%, अभी उसको क्या ऑफर करना है, 4% का उसको डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट देने के बाद ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितने की वैल्यू रह गई, 96 की वैल्यू रह गई, 96 और इंटू 100, ये मुझे क्या डिसाइड होगा यहां से, मार्क प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस। तो ये मेरे को क्या मिलता है, 425, 424, 24 पे इसको कैंसिल करता हूं, 550 रुपये डिसाइड होता है। दोस्तों पहले की सेलिंग क्या थी, पहले की सेलिंग 475 थी, कितना बढ़ाएं, जो नया लिस्ट प्राइस आएगा उस प्राइस का कितना वैल्यू होना चाहिए, 550 रुपये होना चाहिए। बोलता है 550 रुपये प्राइस और 475 का जो डिफरेंस है, ये मेरा डिफरेंस कितना है, 75 रुपये का डिफरेंस है, दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं 475 में बेच रहा था, अब 550 रुपये उसका लिस्ट प्राइस बना देता हूं, जिससे मेरी सारी की सारी कंडीशंस क्वेश्चन की क्या होती है, पूरी होती है। दोस्तों लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। इन रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, ऑफिसर्स 3 हिस्से तो सोल्जर्स हमारे 31 हिस्से, नंबर ऑफ सोल्जर्स 31 की टेबल में और नंबर ऑफ ऑफिसर्स 3 की टेबल में, फ्रैक्शनल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। लास्ट में डिमांड क्या करता है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स की डिमांड करता है, हमें चाहिए क्या, 3 की टेबल, और 3 की टेबल में कौन सी वैल्यू हमको दिखाई पड़ती है, द ओनली चॉइस दैट इज अवेलेबल विद अस, ये है 2 सेकंड का ओपिनियन क्वेश्चन को लेकर। तो डेफिनेटली हम इसको आगे सेटिस्फाई करने की बात भी यहां से कर लेते हैं। मैंने माना 3 पार्ट 21 के, 1 पार्ट 7 का, 31 पार्ट बन गए हमारे 217 के। कितना कितना डिसाइड हो गया, 21 हमारे ऑफिसर्स और 217 हमारे एक बार को सोल्जर्स। देखते हैं क्या हम आगे की कंडीशंस को यहां से सेटिस्फाई कर पाएंगे। बोलता है बैटल हुई, 6 ऑफिसर्स और 22 सोल्जर वो शहीद हो गए। 6 ऑफिसर्स, कितने रह गए ऑफिसर्स, 15, 217 में 22 कम कर दो कितने रह गए, 195, 15 और 195 के अंदर क्या रिलेशन देख पा रहा हूं, 15 पे कैंसिल करके मैं 1:13 का ये रिलेशन देख पा रहा हूं, यही हमारी रेशो रह जाती है, जहां पे कंडीशंस क्वेश्चंस को लेकर क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर वंस अगेन, क्वेश्चन हमको ठीक से क्लियर है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर से आप क्वेश्चन के पीछे किस तरीके की बातें काम करती हैं, इन बातों को ऑब्जर्व करना। अ मिल्कमैन मिक्सेस 5 किलोलीटर्स ऑफ मिल्क एट 600 पर किलोलीटर, क्या यहां उसके 3000 रुपए लग गए, यहां पर
6 किलो लीटर में 540 के भाव से क्या उसके 3240 रुपये और लग गए? 3000 और यहां पर 3240, मिलकर हो गया 6240। कैलकुलेशन जितना ओरली कर सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं उतना ओरली परफॉर्म करने का भाव इनको रखो। टोटल दूध वाले के 6240 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। 11 किलो लीटर्स दूध उसके पास आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है? हाउ मच किलो लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड? इसमें पानी मिलाने की वो बात कर रहा है, मतलब जीरो कॉस्ट ऐड करेगा, उसकी टोटल कॉस्ट तो 6240 ही रहेगी। पानी ऐड करने के बाद डेफिनेटली जो उसकी सीपी है वो कम हो जाएगी, और वो कितनी सीपी चाहता है? 480 पर किलो लीटर। 6240 को 480 से भाग कर देता हूं, 13 पे पूरा भाग हो गया। अब वो भाग करने से हमको 13 क्या मिलता है? 13 किलो लीटर उसके पास टोटल मिक्सचर बनना चाहिए। पहले कितना था? 11। आपने 2 किलो लीटर क्या मिलाया? उसके अंदर पानी मिलाया। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, हाउ मच किलो लीटर्स ऑफ वाटर। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी, इट शुड बी 2 किलो लीटर। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से जज कर लेते हो कि वो कहना क्या चाहता है, तो चीजें काफी आसान की जा सकती हैं दोस्तों। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलते हैं 39 रुपए डिवाइड करने हैं, कितने बच्चों में करने हैं? 45 बॉयज और गर्ल्स मिलकर हैं, 45 लोगों में डिवाइड करने हैं। बोलता है ईच गर्ल गेट्स 50 पैसा, हर लड़की को 50 पैसे मिलते हैं और हर लड़के को कितना मिलता है? 1 रुपया। देखो फिर से मैं क्वेश्चन को कैसे हैंडल करता हूं और एलिगेशन को इंट्रोड्यूस करता हूं इस क्वेश्चन के लिए। फिर से मैं मानता हूं अगर 45 के 45 वो लड़के होते तो आप यूं समझो एक लड़के को 1 रुपया देना है, तो 45 रुपये। अगर वो 45 की 45 लड़कियां होती तो हर लड़की को कितना देना है? 50 पैसे। तो रुपए कितने चाहिए? 22.5। काफी अच्छा एंगल है क्वेश्चन को समझने के लिए। 45 के 45 लड़के होते तो आपको 1 रुपए के हिसाब से 45 रुपए चाहिए, और 45 की 45 अगर लड़कियां होती तो 50 पैसे के हिसाब से आपको 22.5 रुपए चाहिए। 22.5 रुपये, 45 रुपये, और हमने डिस्ट्रीब्यूट कितने किए? 39 रुपये। तीनों ही वैल्यूज रुपीज के टर्म्स में आ गई। एलिगेशन अप्लाई कर दो, ये डिफरेंस 6 बन गया और ये डिफरेंस मेरे पास 16.5 बन गया। शिफ्ट करता हूं, ये रेशियो बनती है 5 पे कैंसिल करके 12 है 33। ये 12 पार्ट किसको इंडिकेट करता है? ये गर्ल्स को। ये 33 पार्ट किसको इंडिकेट करता है? बॉयज को। टोटल वहां पे यू समझो 45 लड़के लड़कियों में से 12 तो लड़कियां होंगी और 33 वहां पे क्या होंगे? लड़के होंगे। काफी अच्छा तरीका है ये भी क्वेश्चंस में इक्वेशंस एक्स और वाई को बाईपास करने का। आप पहले 45 के 45 लड़के मान लो एक बार, और फिर एक बार 45 की 45 लड़कियां मान के कितने कितने पैसों की जरूरत रहेगी उसके हिसाब से एलिगेशन कंफर्टेबली लगा सकते हैं। आपने अगर इस बात को वेरीफाई भी करना है तो 12 12 लड़कियां 50 पैसे के हिसाब से 6 रुपए चाहिए, 33 लड़के 1 रुपए के हिसाब से 33 रुपए चाहिए, 6 और 33 मिलकर फिर से क्या हो गया? ये 39 का डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप फ्रेंड्स द थिंग्स आर क्लियर वंस अगेन। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? लेट अस।
इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर यूज्ड इन द रेशियो 4:3। एक पिक्चर के अंदर दो कलर के कॉम्बिनेशन है, ब्लू और येलो की बात कर रहा है। ब्लू चार हिस्से तो येलो हमारा तीन हिस्से। आगे बढ़ते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ, अपर हाफ लोअर हाफ 1:1, अपर हाफ लोअर हाफ मतलब कि 1:1, आधा पोर्शन, आधा पोर्शन, इक्वल पोर्शन, अपर हाफ लोअर हाफ। अपर हाफ के अंदर ब्लू टू येलो रेशो कितनी है मेरे पास, 2:3। मतलब कि अगर मैं ब्लू के टर्म्स में बात करूं तो इट इज 2/5, दैट इज ब्लू। लोअर हाफ की ये रेशियो हमको मालूम नहीं। स्पेस को ब्लैंक छोड़ देते हैं, बातें करते हैं फिर से एलिगेशन को मिलकर। अपर के अंदर ये है, लोअर का मुझे डिसाइड करना है, और दोनों को मिलाने के बाद ये रेशियो मुझे क्या तैयार होती है। ब्लू के टर्म्स में ये रेशियो तैयार होती है 4/7। और ये डिफरेंसेस हमारे किस हिसाब से आने चाहिए, जो हमारे इस रेशियो को सेटिस्फाई कर दें उसके हिसाब से। ये डिफरेंस कितना है, 7 × 14 = 20, 6/35 इट इज। ये 6/35 का डिफरेंस है, 1:1 के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस भी 6/35 ही होना चाहिए। अभी ये वाली जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से हमारी छोटी है, तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए यहां पर, ये वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। एक वैल्यू छोटी, एक वैल्यू बड़ी, उनके बीच में ही तो कहीं ओवरऑल एवरेज हमेशा तैयार होती है। अब इसको ये 35 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, × 5 करना पड़ेगा, × 5 करना पड़ेगा, 20, 26/35 इट इज। आई होप फ्रेंड्स ये स्टेप हमको ठीक से क्लियर हो रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्वेश्चन। ये भी हम ध्यान रखें, ये वैल्यू 2/5 इससे छोटी है, तो ये वैल्यू हमारी 4/7 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यहां से मैं 1:1 के अकॉर्डिंग 6/35 इसको इस तरफ लेके चलता हूं, तो ये वैल्यू कितना डिसाइड हुआ, 6/35 डिसाइड हुआ। व्हाट इट मींस, मैंने ये कलर कौन सा चूज किया था, ब्लू कलर के टर्म्स में मैंने ये बैलेंसिंग की थी, 26 हिस्से उसके अंदर, टोटल 35 में से कौन सा कलर होना चाहिए, ब्लू, तो बाकी के 9 हिस्से कौन सा कलर होना चाहिए मेरा, दैट शुड बी येलो। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। लोअर हाफ के अंदर वो हमसे ब्लू येलो की डिमांड करता था, जो हम डिसाइड कर चुके हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, एलिगेशन को अप्लाई किया हमने फिर से, और थोड़ा सा इस बार रिवर्स वे में अप्लाई किया। ऐसी बातों को भी हम नोटिस करें, काफी यूजफुल है ये एंगल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। शेल वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। अ डिसऑनेस्ट हेयर ड्रेसर यूजेज अ मिक्सचर हैविंग 5 पार्ट्स प्योर आफ्टर शेव लोशन एंड 3 पार्ट्स प्योर वाटर। बोलता है जो वो ड्रेसर है वो डिसऑनेस्ट है, वो 5 हिस्से तो क्या करता है, प्योर आफ्टर शेव लोशन यूज करता है, और 3 हिस्से उसके अंदर क्या करता है, पानी को मिक्स करता है। आफ्टर टेकिंग आउट सम पोर्शन ऑफ द मिक्सचर, उस मिक्सचर में से वो कुछ मिक्सचर ड्रॉ करने की बात करता है, कुछ क्वांटिटी उसमें से निकालने की बात करता है, और क्या मिलाता है उसमें, इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर वाटर, बचे हुए में क्या मिला देता है, पानी। वो डिसोनेस्ट है, वो मिक्सचर में से
मिक्सचर की क्वांटिटी को निकाल के क्या ऐड कर रहा है, प्योर वाटर ऐड कर रहा है। इसके बाद सच दैट अमाउंट ऑफ आफ्टर शेव लोशन एंड वाटर बिकम्स इक्वल, दोनों को बराबर बनाना है। शुरू की क्वांटिटी के अंदर 5 लीटर 3 लीटर मान के चलता हूं, ये टोटल क्वांटिटी उसको लास्ट में 8 की 8 ही रखनी है, मतलब कि 4 लीटर उसको क्या करना है, इक्वल बनाने के लिए 4 लीटर उसके पास आफ्टर शेव होना चाहिए प्योर, और 4 ही उसके पास क्या होना चाहिए, ए फॉर आफ्टर शेव, डब्ल्यू फॉर वॉटर, 4 ही उसके पास वॉटर होना चाहिए। दोनों की क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए 4 4 होना चाहिए। यहाँ पे आफ्टर शेव कितना था, 5, करना कितना है 4, एक हिस्सा रिमूव करना है, 5 में से रिमूव करना है, 1/5 रिमूव करना है, 1/5 आफ्टर शेव के टर्म्स में, 1/5 होगा हमारा मिक्सचर के टर्म्स में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एक लंबी सी स्टेटमेंट जिसका आंसर डिसाइड होने में मात्र थोड़ा ही टाइम लगता है अगर हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। 5 3 4 4 बनाने के लिए 1/5 ऑफ द मिक्सचर, दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमूव। आई होप फ्रेंड्स द थिंग्स आर क्लियर, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है लोगो ऑन 10% ऑन 1/3 ऑफ इस कैपिटल, कैपिटल हमको नहीं मालूम, क्वेश्चन परसेंटेज में लेके चलता है, 100 रुपीज कैपिटल नहीं मान के चलूंगा, क्योंकि 100 करने से मुझे उसमें 1/3 करता हूं तो फ्रैक्शनल वैल्यूज को फेस करना पड़ता है। ऐसे में जो आमतौर पे मैं बातें करता रहता हूं 60 90 120 180, कुछ 360, इस तरीके का डेटा यूजफुल डेटा रहता है जिससे हम कंफर्टेबली ऐसी चीजों को डील कर पाते हैं। मैं 60 रुपये उसकी कैपिटल मान के चलता हूं। ऑन 1/3 ऑफ इस कैपिटल, 1/3 करता हूं 20 रुपये, 20 पे कितना गेन, 10% उसको गेन होता है 2 रुपये का। आगे बढ़ता हूं 12% ऑन 1/4 ऑफ इस कैपिटल, इसका 1/4 15 रुपये, इस पे कितना इसको गेन होता है 15 का 12%, 1 रुपया 80 पैसा। आगे बढ़ते हैं 15% अर्न करता है ऑन 1/5 ऑफ इस कैपिटल, 1/5 करता हूं 5 से भाग करके 12 रुपये पे, 12 रुपये पे कितने गेन की बातें कर रहा है, 15% की बातें कर रहा है, 1 रुपया 80 पैसा। 20 और 15 35 और 12 47, बचा कितना 13 रुपये। रेस्ट इस पे कितना गेन है, 8% का गेन है, 1 रुपया 4 पैसा। 360 560 664 का गेन, कितना गेन, 6 रुपये 64 पैसे का गेन। कितने रुपए पे टोटल गेन है, 60 रुपये पे ये टोटल गेन है, परसेंटेज गेन ओवरऑल इनटू 100। 6 से भाग करता हूं 11 6 66, फिर 0 पिक्चर में आएगी। क्या यहां से मैं इस ऑप्शन को डिसाइड कर पा रहा हूं? फिर से क्वेश्चन अच्छा है, करने का तरीका भी काफी यूजफुल है। आप फ्रैक्शनल वैल्यूज को यहां पे बाईपास रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों दिस इज इंपॉर्टेंट, 60 का सिलेक्शन, उससे सारे वैल्यूज हमारे क्या बनते हैं, फ्रैक्शंस बाहर हो जाती है, क्वेश्चन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उस दिशा को, उसको दिशा दे सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। दो नंबर्स की रेशो की बात कर रहा है, इस रेशो को यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये मेरा 3/2 है, ये मेरा बनता है 3 2 6 8/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रेशो क्या तैयार हो गई,
9:16 तैयार हो गई। आगे भी ये रेशो को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये मेरा तैयार हो गया 5/3, रेशो बन गई, ये बन गई 5/2, मतलब ये रेशो क्रॉस कर देता हूं 2:3। दो नंबर्स उनके बीच में क्या रेशो थी? 9:16 थी when each of these is increased by 15, दोनों के अंदर ही हमने कितना कितना ऐड किया, 15 ऐड किया, जिससे नई रेशो क्या बननी चाहिए, 2:3 बननी चाहिए। आई होप यहां तक का पार्ट हमको क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटर ऑफ द नंबर्स, क्वेश्चन में बड़े नंबर की बात कर रहा है। पहली बात, 9:16 हिस्से मांग रहा है, राइट? क्या ये 9:16 की रेशो यहां पे दिखाई पड़ती है? क्या ये 9:16 की रेशो यहां भी दिखाई पड़ती है? हमको उसी हिसाब से वो पेयरिंग करके दे रहा है। देखो ऑप्शंस के अंदर छोटी छोटी बातों को जितना ऑब्जर्व करेंगे, ऑप्शंस का जितना यूज करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही होल्ड हमारा इस प्रोसेस में बढ़ेगा। 27:48 की बातें कर रहे हैं, यहां पे इस पेयर को चूज किया 27:48, 9:16 को सेटिस्फाई करता है। दोनों वैल्यू को कितना कितना बढ़ाना है, 15 15, 27 से कितना करना है 42, 48 से कितना करना है 63। अब देखो ये नई रेशो क्या तैयार हुई, 21 पे कैंसिल करके क्या ये 2:3 तैयार हुई? क्या सारी कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हुई? उसने हमसे ग्रेटर नंबर की बात की थी, तो मैं किसको आंसर करूँगा? डेफिनेटली मैं 48 को ही आंसर करूँगा। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि क्वेश्चंस क्लियर है, लेट अस गो फॉर दी नेक्स्ट वन। अ मिक्सचर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क With 16 liters of water, एक मिक्सचर है, दूध और पानी की बातें फिर से हो रही है। उसके अंदर दूध हमको नहीं मालूम, जो लास्ट में उसने हमसे मांगा है। पानी कितने लीटर है, 16 लीटर। इस मिक्सचर की वर्थ क्या है, 90 पैसे लीटर। और प्योर दूध की वर्थ क्या है, 1.08 रुपए पर लीटर। इस 1.08 रुपए में इस मिल्क के अंदर जब आपने पानी ऐड किया, 0 कॉस्ट ऐसा मान के चलेंगे, इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर तैयार हुआ उसकी वर्थ 90 पैसे पर लीटर तैयार हुई। और मैंने फिर से एलिगेशन की बातें आपके सामने रख दी। ये डिफरेंस की बात करूँगा 0.9 होगा, ये डिफरेंस 0.18 होगा। 90:18 के अंदर 5:1 तैयार हो गई। यहां पे 5 हिस्से मिल्क है, 1 हिस्सा पानी है, और ये 1 हिस्सा मेरा किससे रिलेट होता है, 16 लीटर पानी से रिलेट होता है। 1 हिस्सा 16 का, तो 5 हिस्से मेरे कितने के होंगे, डेफिनेटली 80 लीटर। यही क्वेश्चन में डिमांड किया गया था, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 80 लीटर्स। क्वेश्चन में हालांकि कुछ और एंगल से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट ये एक सूटेबल एंगल है क्वेश्चन को डायरेक्शन देने के लिए। मुझे उम्मीद है ये हमको क्लियर है, आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है एक जू के अंदर देयर रैबिट्स एंड पिजन्स, वहां पे रैबिट्स भी है और पिजन्स भी। इफ द हेड्स आर काउंटेड, अगर उनके हेड्स को काउंट करें, एक रैबिट को एक हेड, एक पिजन को भी एक हेड। वेरिएशंस किस चीज की होती है, आमतौर पे नंबर ऑफ लेग्स की।
एक रैबिट के चार पांव तो एक पिजन के दो पांव, राइट। अगर उनके हेड्स को काउंट करें तो 200 है, उनके अगर लेग्स को काउंट करें तो 580 है। देखो मैं फिर से, मैं बातें नहीं करूँगा एक्स और वाई को लेकर, नहीं बातें करूँगा इक्वेशंस को लेकर, कैसे क्वेश्चन में हम आसान कर सकते हैं अपने काम को। एक बार को मान के चलता हूँ, 200 के 200 ये मेरे पास हेड्स हैं रैबिट के। अगर 200 के 200 रैबिट हैं तो उनके पांव कितने बनेंगे, 800। एक बार को मान के चलता हूँ ये 200 की 200 क्या है, पिजन्स हैं। दो के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लेग्स पिजन्स को लेकर कितनी बनेगी, 400। और पूरे ग्रुप की रैबिट्स प्लस पिजन्स की ये एवरेज यहाँ पे हमको कितनी दी गई है, 580। और फिर से मैंने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पे, एलिगेशन को यूज़ कर लिया फ्रेंड्स। ये डिफरेंस 180 का, ये डिफरेंस 220 का, 18:22, नो रेशो 11। नौ हिस्से नंबर ऑफ रैबिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये 11 हिस्से मेरे नंबर ऑफ पिजन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे पास टोटल कितने हेड्स थे, 200 का ब्रेकअप कर देता हूँ, 9, 11 में ये ब्रेकअप करूँगा तो डेफिनेटली 90 और 110। 90 वहाँ पे रैबिट्स होंगे और 110 वहाँ पे क्या होंगे, पिजन्स होंगे। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है क्वेश्चन पे काम करने का, राइट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर फ्रेंड्स। तो इसने हमसे क्या डिमांड किया था, पिजन्स की डिमांड की थी, और सारा ही डेटा हमारे सामने ओपन हो चुका है, हम कंफर्टेबली उसको डिसाइड कर पा रहे हैं। रैबिट्स और पिजन्स को लेकर, हेड्स और लेग्स को लेकर ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है क्वेश्चंस की, और इन पे काम करने का ये तरीका ठीक है। जहाँ तक ये क्वेश्चन कंसर्न था, इसमें फिर से हमने एलिगेशन को इंट्रोड्यूस करके इक्वेशंस को बाईपास कर लिया। जितना टेंडेंसी इस एक्स और वाई को बाईपास करने की रखोगे, उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे क्वांट के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। तो टाइम सेव करने का एक भाव हमेशा रखो क्वेश्चंस के अंदर। आज की कड़ी में क्वेश्चंस में यहीं पे विराम देते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि हम चैनल से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं और बहुत अच्छा फायदा इसका ले रहे हैं, राइट। इसको स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करो। आज के लिए विराम देते हैं यहीं पे इन शब्दों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।